यहाँ से हम देखेंगे गुप्तास एरा, गुप्तास एरा का जो फाउंडर था वो कौन था, यहाँ पे हमारा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का बेटा कौन था, घटोत्कच, और घटोत्कच का बेटा कौन था, चंद्रगुप्त फर्स्ट। अगर एग्ज़ाम में आए कि रियल फाउंडर ऑफ गुप्तास एरा, तो रियल फाउंडर ऑफ गुप्तास एरा यहाँ पे कौन होगा, ये होगा हमारा चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त का बेटा होता है समुद्रगुप्त, और इसी को कहा गया है नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त के दो बेटे होते हैं रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। यहाँ पे कौन है, चंद्रगुप्त सेकंड, लेकिन फाउंडर कौन था गुप्ता जेरा का, रियल फाउंडर कौन था, चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो रामगुप्त था, इसकी शादी किससे हुई थी, ध्रुव स्वामिनी से, जो कि बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अच्छी थी, और इनकी वजह से जो था वो एक लड़ाई भी हुई थी, तो उसमें जो रामगुप्त थे वो बैक कर गए, और उनसे फाइट करने के लिए यहाँ पे कौन गया, चंद्रगुप्त सेकंड, और रामगुप्त की उसमें हत्या हुई और रामगुप्त मर गया। तो यहाँ से जो राजा बना वो कौन बना, हमारा चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त का बेटा हुआ यहाँ पे कुमारगुप्त, और ये बेटा किससे होता है, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त से, क्योंकि चंद्रगुप्त जो है वो फिर शादी करते हैं ध्रुव स्वामिनी से। और जो कुमार गुप्त था, इसी ने फाउंडेशन रखी नालंदा यूनिवर्सिटी की। नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन था यहाँ पे, कुमार गुप्त। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन था, धर्मपाल, जो कि आज कहाँ पे है, आज के पाकिस्तान में है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। फिर राम कुमार गुप्त का बेटा कौन है यहाँ पे, सकान गुप्त। सकान गुप्त का बेटा कौन है यहाँ पे, और सकान गुप्त का बेटा नहीं, आई थिंक सकान गुप्त जो है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्कंद गुप्त हैं, उसके बाद यहाँ गुप्ता जेरा का लास्ट रूलर जो है वो कौन होता है, भानु गुप्त। यहाँ से फिर जो गुप्ता एरा है वो ख़त्म हो जाती है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पोस्ट गुप्ता एरा। पोस्ट गुप्ता एरा जब स्टार्ट होता है, तो जो है ये पोस्ट गुप्ता एरा, फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पोस्ट गुप्ता एरा में क्या होता है, गुप्ता डायनेस्टी जो होती है वो 6 पार्ट्स में बट जाती है। और वो कौन कौन सी डायनेस्टी में बटती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहला यहाँ पे हमारा आता है वर्धनन डायनेस्टी, फिर आता है हमारा मौकरी डायनेस्टी, फिर आता है हमारा गौड़ डायनेस्टी, उसके बाद आता है हमारा कामरूप डायनेस्टी, उसके बाद आता है हमारा पालवास डायनेस्टी, फिर लास्ट जो आती है डायनेस्टी वो कौन सी है, चालुक्य डायनेस्टी। फिर यहाँ पे हम देखेंगे वर्धन डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी, थानेश्वर, और वर्धन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, पुष्यभूति वर्धन। फिर यहाँ पे हम देखेंगे मौखरी डायनेस्टी, मौखरी डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी यहाँ पे, कन्नौज। उसके बाद हम गौड़ डायनेस्टी देखेंगे, तो इसका फाउंडर कौन था, शशांक, और इसका जो किंग थे, इसमें 3 किंग थे, ईश्वर वर्मन, हरि वर्मन और ग्रह वर्मन। फिर यहाँ पे हमने देखा कामरूप डायनेस्टी, पालवास डायनेस्टी और चालुक्यास डायनेस्टी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे मौखरी डायनेस्टी। अभी मैंने जैसे कि बताया मौखरी डायनेस्टी में 3 रूलर्स रहे हैं, हरि वर्मन, ईश्वर वर्मन, ग्रह वर्मन, 3 ये रूलर रहे। गौड़ डायनेस्टी में हम देखें तो गौड़ डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, शशांक, और ये कौन सा रिलीजन का था, ये शैव रिलीजन का था, यानी कि शिव रिलीजन का था। फिर यहाँ पे कामरूप डायनेस्टी आती है, चालुक्य डायनेस्टी, और ये पालवास डायनेस्टी। यहाँ पे इस मैप से आप देख के समझ सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा जो है ये चालुक्य डायनेस्टी है, जिसका फाउंडर कौन था, पुलकेशिन सेकंड। ये हमारी पालवास डायनेस्टी है, यहाँ पे ये हमारी गौड़ डायनेस्टी है, ये कामरूप डायनेस्टी है, ये मौखरी डायनेस्टी है, और ये वर्धन डायनेस्टी है, जो कि 6 जो डायनेस्टीज़ में डिविजन हुआ, तो ये 6 डायनेस्टीज़ का पूरा मैप है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, फिर यहाँ से हमारा पोस्ट गुप्तास एरा ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ से हम देखेंगे महाजनपदास, जो कि 600 BC में थे, 16 महाजनपदास थे, ठीक है। इस टाइम में अब हम देखेंगे कि यहाँ से फिर हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया, यहाँ पे हम देखेंगे इनका क्या था, यहाँ पे जैसे कि आयरन था, तो आयरन डिस्कवर्ड था, और टूल्स जो यूज़ करते थे वो एग्रीकल्चर टूल्स थे। फिर लैंड एरिया का एक्सपेंशन इन्होंने किया, प्रोडक्शन इनक्रीज़ किया। तो महाजनपदास में क्या था कि यहाँ पे आयरन डिस्कवर्ड हुआ था, इससे पहले हुआ था आयरन डिस्कवर्ड हमारे पोस्ट ऋग वैदिक में, वहाँ पे जो आयरन डिस्कवर्ड हुआ था वो सिर्फ किस लिए यूज़ होता था, वो सिर्फ हमारे मतलब जानवरों को मारने के लिए फूडिंग पर्पस से यूज़ होता था। लेकिन बड़े पैमाने पर जो आयरन डिस्कवर्ड हुआ और उसका यूज़ स्टार्ट हुआ, वो कब हुआ, महाजनपदास के टाइम पर, और एग्रीकल्चर टूल्स भी बनाने के लिए ये यूज़ होता था आयरन। फिर इनका लैंड एरिया भी एक्सपेंशन हुआ, प्रोडक्शन इन लोगों ने इंक्रीज़ किया महाजनपदास
महाजनपदास के टाइम पे। फिर यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पे 16 महाजनपदास थे यहाँ पे, और 16 महाजनपदास यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप के थ्रू। यहाँ पे हमारा अश्मक था जिसको कैपिटल पोतना थी, फिर यहाँ पे अवंती था जिसकी कैपिटल उज्जैन थी, फिर ये बिहार वाला जो एरिया है यहाँ पे 3 महाजनपद थे, मगध, अंग, वज्जी। मगध की कैपिटल थी ग्रीवर और अंग की कैपिटल थी चंपा, वज्जी की कैपिटल थी यहाँ पे वैशाली, और ये मत्स्य की कैपिटल क्या थी हमारी विराट नगर। नेक्स्ट हम देखेंगे मगध महाजनपदास, यहाँ पे 3 रूलर्स रहे हमारे, हरेन डायनेस्टी, नाग डायनेस्टी एंड नंद डायनेस्टी। हरेन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था यहाँ पे बिंबिसार, इसका बेटा कौन था अजातशत्रु, उसका बेटा कौन था उदयन। बिंबिसार को किसने मारा, अजातशत्रु उसके बेटे ने, और इसी को यहाँ पे क्या बोला गया है पितृहंता या कोनिक, ठीक है। और इसी ने सबसे पहले सोल्जर कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थापना की। फिर उदयन को किसने मारा, नागदशक ने, और उदयन ने जो कैपिटल रखी थी वो पाटलिपुत्र रखी थी, और नागदशक की भी यहाँ पे हत्या हुई, और वहाँ से नागदशक जब मर गया तो यहाँ से स्टार्ट हो गई हमारी शिशुनाग डायनेस्टी, नाग डायनेस्टी सॉरी। और फिर उसका फाउंडर कौन था नाग डायनेस्टी का, तो शिशुनाग, शिशुनाग का बेटा कौन था कालाशोक, कालाशोक का बेटा यहाँ पे कौन था नंदी वर्धन। कालाशोक का बेटा नहीं, आई थिंक सॉरी फ्रेंड्स, कालाशोक का बेटा नहीं था ये लास्ट रूलर था नंद डायनेस्टी का। फिर यहाँ पे आएंगे हम महाजनपदास, महाजनपदास फिर घनानंद यहाँ पे मर गया, और यहाँ पे हमने इस चीज़ को देखा।